किंतु कोई कमी दिख जाए इन्हें जनता में, पुलिस वाले भक्त से चालान काट देते हैं। वो देर नहीं लगाते साहब। मैं हमारे यहाँ आप लोग गए होंगे तो जानते होंगे। आइए आप सबको अगले कवियों से आपको जुड़वाता हूँ। तो भूल गया, बात ये कर रहा था कि ये काशी की परंपरा है। आदरणीय जिया जी, काशी की परंपरा में कविताई की परंपरा है, वहाँ हंसने की बहुत परंपरा है। वहाँ गली नुक्कड़ चौराहे पर जो हास्य बिखरा मिलता है वो आपको कहीं भी नहीं बिखरा मिलेगा। मैं पिछले 7 वर्षों से बनारस रहता हूँ आदरणीय गुरु जी। मैं पिछले महीने 6:30 बज रहे होंगे शाम के, मैं जा रहा था तो एक चाचा थे, वहाँ बूढ़े लोगों को बुढ़ऊ कहा जाता। वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दें, अपने यहाँ कह दे बुढ़ऊ तो मारपीट हो जाए। वहाँ तो कहता है बुढ़ऊ कहा जाता हुआ, और वो लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं कि हमके बुढ़ऊ कहा था। और तो ये बात है, वो काशी की परंपरा है। हमने चाचा से पूछा कि चाचा ये बताओ कि ये रास्ता चंदौली चली जाएगी क्या? तो अगर बचवा रास्ता तो चंदौली चली जाएगी, लेकिन इतनी रात को तुम नहीं जा पाओगे। तो ये काशी की परंपरा है, वहाँ हंसने की परंपरा है। आइए, एक कवि को इसलिए नहीं बुला रहा, आप अपने फोन पे देख लीजिए, नेताजी लपेटे, आज तक देश का कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ दमदार बनारसी का बोलबाला नहीं है। मैं दमदार भाई को इसलिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो एक ऐसे जिंदा दिल व्यक्तित्व है, आधे घंटा 45 मिनट जब आपको हंसाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कवि सम्मेलन इसीलिए हुआ था। आइए एक बार हंसने की कला सीखिए, मुस्कुराहट सीखिए, जरा जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कीजिए आदरणीय श्री दमदार बनारसी। देखिए मैं काशी में रहता हूँ, हमारा सब कुछ अगर जमानत जब्त हो जाएगा तो कोई बचाएगा नहीं, आधार कार्ड इन्हीं का लगेगा, इसलिए आप जरा जोरदार तालियां बजाइए और मुखर होकर आदरणीय श्री दमदार बनारसी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मिथिलांचल में यहाँ आपके बीच पहली बार आना हुआ है मेरा, और प्रशांत ने जितनी तारीफ करी थी यहाँ के लोगों की, अब तक के कवि सम्मेलन में वो देखने को मिला है। यहाँ तो लायंस क्लब के लोग बैठे हुए हैं, अब शेरों को कोई क्या शेर सुनाएगा। मैं बनारस से आता हूँ, श्रावण का महीना चल रहा है, आप सबके बीच मैं बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि बन के खड़ा हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ आप सबको। और मित्रों प्रणाम इसलिए भी करता हूँ, बेशक मैं खुद को बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि मान रहा हूँ, लेकिन मिथिलांचल में आने के बाद बाबा विश्वनाथ जिसकी चाकरी में लग जाए वो मिथिला के महाकवि होते हैं, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ आपको। यहाँ आकर के बाबा भी स्वयं चाकरी में लग गए थे, क्या बढ़िया धरण है, अद्भुत। मैं काशी में रहता हूँ, बनारस ऐसी जगह है, जब आज़ादी की लड़ाई में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था, इसलिए मैं अपने शहर पे गर्व करता हूँ। ये छोटा भाई है, प्रशांत है, और उसी बगिया का फूल है जहाँ से मैं भी रहा हूँ, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के बसाए हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम दोनों भाइयों की पढ़ाई हुई। ये बनारस के बारे में जो भी बता रहा था कि यहाँ गलियों में भी हास्य बिखरा पड़ा है, तो ये झूठ बात नहीं है मित्रों। आप फर्ज कीजिए बनारस में हो, जाम में फंस गए हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, और गलती से भी आपने अर्थी वालों के पीछे अपने मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया, अर्थी वाला कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है ऐसे भी पहले जाओगे क्या? अद्भुत शहर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं है, जो सवाल करेंगे तुरंत जवाब हाजिर। अच्छा पहले तो जब सांसद वहाँ के मोदी जी नहीं हुआ करते थे,
तब भी विकास था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ करते थे, लेकिन किसी किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुकभुकाया करती थी। लेकिन आप देखिए 2014 के बाद सारी स्थितियां बदल गई हैं। आजकल लाल बत्ती जलने पे कोई नहीं रुकता तो 17 तरह का चालान काट दिया जाता है भाई साहब। मैं मजाक नहीं कर रहा, और ये देखिए मैं इससे दुखी हूँ, इसलिए आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। यहाँ पहले एक समय में बिहार के सड़कों का उदाहरण दिया जाता था, दुनिया की सबसे खराब सड़कें अगर है तो बिहार में है। लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें बिहार में बन गई हैं। हर गांव में अच्छी सड़क बनी है, सड़कों पे सर बहुत काम हुआ है। इस बात के लिए मैं इस सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सड़कों के मामले में बिहार के पीछे चल रहा है उत्तर प्रदेश, ये स्वीकार भी करता हूँ। एक छंद मैंने निकालने का प्रयास किया, मैंने कहा सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क प्यारे, इन पे चलो तो मिर्गी उपहार देते हैं। हेलमेट, लाइसेंस या हो प्रदूषण कार्ड, हर चीज होने पर भी ये छांट देते हैं। सरकारी तंत्र तो है कमियों से भरा हुआ, खामियां बताता हूँ तो मुझे डांट देते हैं, किंतु कोई कमी दिख जाए इन्हें जनता में, पुलिस वाले भक्त से चालान काट देते हैं। वो देर नहीं लगाते था मैम, हमारे यहाँ आप लोग गए होंगे तो जानते होंगे गोदौलिया चौराहा है, बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, गोधूलिया नाम से है, अपभ्रंश होके गोदौलिया बन गया है। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे सुनाई नहीं देता। अब बुढ़िया बेचारी रोवासी मुंह बना के बोली, ए बेटा ई उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। आजकल साहब आप बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं किसी को ताली वाली बजाने की नहीं कहूंगा, आप राजस्थान के लोग बैठे हुए हैं, आप तो विशुद्ध देशभक्तों में आते हैं साहब, मैं प्रणाम करता हूं। राजस्थान के माटी के नाम पे एक बार आपकी तालियां उठ जाएं इन लोगों के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। वो आजकल शॉर्टकट में हर काम निपटाया जाता है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था भी शॉर्टकट चलती है। मैं अपने घर से निकला जल्दीबाजी में, हेलमेट लगाना भूल गया था, चौराहे पे चेकिंग चल रही थी, मुझे ट्रैफिक हवलदार ने डंडा दिखा के रोका, मैं रुका, बोला हेलमेट कहाँ है, मैंने कहा सर रोज लगा के निकलता हूँ आज ही भूल गया हूँ, कच्चा गाड़ी का कागज दिखाओ, मैंने कहा सर रोज जेबा में घूमता हूँ लेके आज ही भूल गया हूँ, कहा 2500 रुपए का चालान कटेगा। मैंने कहा मैं काशी में रहता हूँ, यहाँ सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उन्होंने मध्यम मार्ग की परिकल्पना दी थी, अगर आपके पास भी कोई मध्यम मार्ग हो तो बड़ा। भाई साहब उन्हें कहा फिर 500 रुपया दे दो निकल जाओ, मैंने 500 रुपये निकाल के दिए, मैंने कहा सर यहाँ तो दे दिए, अगले चौराहे पे किसी ने रोक दिया तब क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा बस बोल देना कोका कोला, बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मैं आगे बढ़ा अगले चौराहे पे। भाई मजिस्ट्रेट चेकिंग होती है तो हर जगह होती है, अगले चौराहे पे फिर मुझे रोका गया, बोला हेलमेट कहाँ है, मैंने कहा कोका कोला, बोला निकल जा। भाई मैं बात समझ नहीं पाया, मुझे बड़ी खुशी मिली कि पहली बार कोई ऐसा मंत्र हाथ लगा है जिसे बोलने पे पुलिस वाले नहीं रोकते। मैं जिस काम से गया था आपकी कसम खा के बता रहा हूँ वो काम भूल गया, पूरे शहर में बिना हेलमेट और बिना कागज के घूमता रहा, कोई भी रोके बोलता कोका कोला, मंत्र याद हो गया भाई साहब। ये बड़ी अच्छी बात है, आप भी हंस सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। आपका कभी चालान नहीं कटा क्या? मैं अगले दिन इसी रवानी में, मंत्र याद है अपने पास, बिना हेलमेट के निकला, उसी चौराहे पे पहुंचा, वही हवलदार डंडा दिखा के रोका, मैंने कहा कोका कोला। भाई साहब मुझे उसने घूर के देखा, मैंने थोड़ा और जोर देके बोला कोका कोला, उसने बोला बेटा फंस गए किनारे आओ आज का लिमका है। क्या कमाल है, हर बात में शॉर्टकट खोजा जा रहा है सर। मैं चूंकि मैं बनारस से आता हूँ तो कई सारे चैनलों पे बता रहा था ना, बहुत सारे चैनल पे पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊँ चैनल पे वही आदमी पढ़ता है जिसका जुगाड़ टाइट होता है। हाँ अब विद्वान होना इसका मतलब ये नहीं कि चैनल पे पढ़ा है, बहुत सारे विद्वान होते हैं लेकिन उनका जुगाड़ नहीं बैठ पाता इसलिए नहीं जा पाते हैं। तो जुगाड़ मेरा बड़ा टाइट है, मुझे एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है इस पर आपको कविता करनी है, मैंने कहा कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है,
तो कहे कि आप बनारस से आते हैं, रुपया गिर रहा है, इस पर तो कविता करनी है, लेकिन ख्याल रखिए बनारस से आते हैं जरा मोदी जी को कायदे से लपेटना है। मैंने तुरंत टोका, कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, रुपया गिर रहा है इसमें मोदी जी की क्या गलती है, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों, मोदी जी की कोई गलती? मैंने जवाब देने की कोशिश की, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। यहाँ आहा से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दो आदमी ताली बजाए हैं। मैं सच में सर आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ, इस छंद पर बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बजाएंगे तो अच्छा लगेगा, प्रणाम करता हूँ सर। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल, 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, मैं मोदी जी क्या कर सकते हैं भाई, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। ये संजीव मुकेश जी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, नालंदा में रहते हैं। ये बनारस पहली बार घूमने आए, पता नहीं किस कमबख्त ने इनसे कह दिया था कि भाई बनारस में नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा स्नान करके जैसे सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए। इन्होंने तुरंत जाके पैर पकड़ा, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा प्रमोशन हो जाए, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, कवि सम्मेलनों में खूब ताली मिले, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा मोटा लिफाफा हो जाए, नागा बाबा मुझे, नागा बाबा पैर झटक, माँ छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा नहीं हूँ, वो तो गंगा जी नहाने के लिए गया था, कौनो मिला कपड़ा चुरा के भाग गया। ऐसे भी खराब होता है नंदार भाई, जिंदाबाद। स्थितियाँ ऐसे भी खराब हो सकती हैं भाई साहब, वहाँ काला टी शर्ट पहन के बैठे हैं, बिल्कुल ताली वाली नहीं बजा रहे हैं। सर नागा बाबा आपका बहुत आशीर्वाद देंगे अगर आप ताली बजाएंगे तो, प्रणाम करता हूँ आपको। ये इतना बढ़िया कविता पढ़ के बैठा है, गोंडा जिले का एकदम धाकड़ कवि है, बहुत ही अच्छी आवाज़ तुम्हारी, बहुत अच्छी, और दिल खुश हो गया तुम्हें सुन करके, वाकई ईश्वर से कामना है तुम इतने ऊंचाई पर जाओ जहाँ से लोग बौने दिखने लगे। बहुत ही बढ़िया काव्य पाठ किया इस लड़के ने, दिल से धन्यवाद देता हूँ इसको, क्या बात है, ये आप लोगों का आशीर्वाद मिला इसको, क्या प्रेम प्रेम मोहब्बत की बात करता है, क्या है कि मेरे से प्रेम मोहब्बत हो नहीं पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। हाँ भैया, भाभी के होने से होने भी नहीं चलती, उल्टा सीधा बात मत करो, कह रहा बाबा बंगाली का नंबर है मेरे पास। दरअसल क्या है, मैंने चार चार लाइन लिखने की कोशिश की है, सुनिए भाई साहब, आप फिर मोबाइल में देख रहे हैं, क्या वीडियो कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब, वो दिक्कत होती है, वो डीपी व्हाट्सएप पे हो नदारत या बिजी लाइन, सितम वो कौन सा है जो वो हर जाई नहीं करती, मैं उसका चेक तो स्टेटस किया करता हूँ सारी रात, मगर वो ऑनलाइन होके रिप्लाई नहीं करती, क्या फायदा। आप जब तक है यहाँ देखिए ना, मैं किसी से कम खूबसूरत हूँ क्या, मुझे देख लीजिए, बगली ढाक रहे हैं, कोई दिक्कत, आप ताली मत बजाइए भाभी जी प्लीज, मैं ऐसे ताली बजाइए आखिरी रोटी तवे पे डालनी। मैं कहने जा रहा था मुझसे प्यार मोहब्बत हो नहीं पाता, मैंने कहा जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता, और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। क्या बात है दमदार भाई, प्यार में अक्सर क्या है, लड़कियां कहती है मैं पापा की परी हूँ, तुम्हारी वाली कहती, मेरी वाली भी यही कहती थी, मैं पापा की परी हूँ। मैंने निपटाया, मैंने चार लाइनों में जवाब दिया, भाई तुम पापा की परी हो, हम भी कुछ हैं कि नहीं है, ये पुरुषों के स्वाभिमान को ललकारती हैं, ये कहती मैं पापा की परी हूँ, हम भी कुछ हैं। मैंने जवाब देने की कोशिश की, मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ, अपने पापा की परी
परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। अपने पापा की परी तू है तो हम भी तो मैंने फार्मूला दिया, दिल की बात तिल में हो नहीं तो ताड़ में जाए, महीना प्यार वाला जेठ या आषाढ़ में जाए। तुम एक साथ छह से कहो आई लव यू, एक भी आ गई तो ठीक वरना भार में जाए, एक भी आ गई तो ठीक।